कितने झूठ बोलते थे हम और तुम मोहब्बत में, कितना झूठ बोलते थे हम और तुम मोहब्बत में कि आज मैं भी जिंदा हूं और तुम भी जिंदा। ग्रीन फ्लैग कम्स फ्रॉम देयर। वो जो पीछे पार्टिसिपेट नहीं कर रही है ना, वो एक 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 मैं शेर सुना देता हूँ, एक शेर सुना देता हूँ। आने वालों का क्या है, वो आते हैं आते होंगे, राइट? तो वो जो पीछे पार्टिसिपेट नहीं कर रही है ना, शी विल गिव दी ग्रीन फ्लैग फॉर दी ऑफलाइन बैचेस, राइट? एक एक और शेर सुनाता हूँ मैं, झूठ के ऊपर, झूठ के ऊपर शेर है, ठीक है? झूठ के ऊपर शेर समझना है लेकिन, ठीक है? कि कितने झूठ बोलते थे हम और तुम मोहब्बत में, कि कितना झूठ बोलते थे हम और तुम मोहब्बत में कि आज मैं भी जिंदा हूं और तुम भी जिंदा हो। अच्छा देखो, IOS हो गया आपका, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हो गया। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे कोई? अच्छा, IOS हो गया है आप? यू आर मयंक। अच्छा, IOS हो गया आपका, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स? नहीं हुआ है। चलो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर देर इज अ रूल, रूल ऑफ नेसेसरी इम्प्लीकेशन। पता है इसके बारे में कुछ किसी को? देखो, स्टैट्यूट्स को जब हम इंटरप्रेट करते हैं ना, तो दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम इंटरप्रेटिंग एनीथिंग, चाहे आपको शेर इंटरप्रेट करने हो। जैसे अभी मैंने आपको एक शेर सुनाया, इसको जब हम इंटरप्रेट करते हैं ना, तो दो तीन चीज़ हम अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लेते हैं? पहले तो हम मोहब्बत में थे, ये तो बोल दिया है, दिस इज़ एक्सप्रेस, दिस इज़ नॉट इम्प्लाइड। लेकिन मोहब्बत में हमने साथ जीने मरने की कसम खाई थी, दिस इज़ इम्प्लाइड, ये बोला नहीं गया है, इस शेर में कहीं नहीं बोला है। उसके बाद बिछड़ गए हैं, दिस इज़ ऑल्सो इम्प्लाइड, और बिछड़ने के बाद कसम भी तोड़ दी है और हम जिंदा भी हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्प्लाइड, दिस इज रूल ऑफ नेसेसरी इम्प्लीकेशन, के स्टैट्यूट के अंदर, प्रोविजन के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, शेयर के अंदर, बातों में जो बात साफ साफ नहीं लिखी गई है उसको आप मान लेते हैं, यू अज्यूम दोज थिंग्स बाई नेसेसरी इम्प्लीकेशन, ठीक है? तो हर चीज़ में कानून भी ढूंढना है, ठीक है? सिर्फ आशी की नहीं ढूंढनी है, ठीक है? देखो, हर चीज में लड़कियाँ, आ जाइए आ जाइए, अब तो आना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 थैंक यू मैम, वेर शी इज, आई थिंक शी वेंट आउटसाइड, द मैम खुशबू मैम, लाइक हु हैज़ गिवन अस अपॉर्चुनिटी टू मीट दीज फैबुलस टीचर्स हु आर टीचिंग अस, हु आर जस्ट हेल्पिंग अस टू जस्ट रीच आउट एट आर डेस्टिनेशन वेर वी ऑल वॉन्ट्स टू रीच। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। फर्स्ट सर, आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि मैंने कभी भी एविडेंस को इस अप्रोच से नहीं पढ़ा था कि मैं इस तरीके से कुछ करूँ कि मैं आगे लोगों को समझा सकूँ। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते थे जो हम कॉलेज टाइम पे पढ़ते तो थे, बट उसको ठीक तरीके से समझ नहीं पाते थे, या कहीं भी एक पॉइंट ऐसा आता था जहाँ पे लैग कर जाती थी चीज़ें। बट सर ने इतनी अच्छी तरीके से, इतनी स्मूथ वे में वो पढ़ाया है। उसके बाद फ्लो में मैंने एग्ज़ाम दे दिया था, तो वो क्लियर हो गया था। तो उसके बाद की जो जर्नी अभी जो है, अभी दे वर क्वाइट लाइक एक्सट्रीमली हैप्पी कि हाँ चलो हमारे बच्चे ने कुछ किया है। अब जो मेरी दादी ये बोलती थी ना कि यू आर नॉट सपोज टू डू LLB और यू आर नॉट सपोज टू परस्यू दी LLB 1, तो नाउ शी इज़ अ सुपर हैप्पी एंड शी इज़ सेइंग मेरी पोती जज है। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी। मेरे को अपनी स्ट्रगल के दिन याद आ गए।